हाय फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक काफी तगड़ी वीडियो। तो अगर आप लोग आज की वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक डॉग है और डॉग्स की 5 ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सभी को फेस करनी पड़ती हैं, फिर वो चाहे कोई भी डॉग ब्रीड हो, जैसे कि हेयर फॉल, इचिंग, टिक्स, कोट का रफ होना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें तब फेस करनी पड़ती है जब हमारे पास छोटे पपीज होते हैं या फिर एक प्रेग्नेंट फीमेल, क्योंकि भाई इन दोनों ही सिचुएशंस में हम उन्हें नहला नहीं सकते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसे क्लीन कैसे करें। तो इन सभी का सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो हम लोग तब करते हैं जब हम लोग अपने डॉग्स को नहला रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग उनके लिए शैम्पू वही यूज करते हैं जो हम खुद भी यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, डव या फिर चिक जैसे शैम्पूज, जो कि डॉग्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो अगर आप लोग हमेशा ही ह्यूमन वाले शैम्पूज यूज करते हो तो डॉग्स की ईचिंग, स्किन प्रॉब्लम और टिक्स प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि भाई ये डॉग्स के लिए नहीं होते, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए होते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से मैं अपनी है ना यानी जर्मन शेफर्ड के लिए कुछ शैम्पूज यूज कर रहा हूं जो है पेटफिट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने अभी रिसेंटली इन शैम्पूज को लॉन्च किया है, वैसे ये मेरा सेकंड ऑर्डर है, इससे पहले इन शैम्पूज को मैं यूज करके देख चुका हूं। वैसे फ्रेंड्स, इनका जबरदस्त प्रोडक्ट तो मैं आप लोगों को इन तीनों शैम्पूज के बाद दिखाने वाला हूं जो कि सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पेटफिट की तरफ से जो सबसे पहला शैम्पू आता है वो है एंटी ईच शैम्पू। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के डॉग हमेशा ईचिंग करते रहते हैं, ये नतीजा है गलत शैम्पू यूज करने का। तो अगर आप लोग पेटफिट का एंटी ईच शैम्पू यूज करते हैं तो आप लोगों के डॉग्स की ईचिंग प्रॉब्लम तो ठीक होगी, साथ ही साथ अगर उन्हें कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उस चीज से भी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस शैम्पू में टी ट्री ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं जो कि आप लोगों के डॉग्स के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं, ये उनको जरा भी हार्म नहीं पहुंचाते। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों के डॉग्स की ईचिंग की वजह से ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग इस शैम्पू का यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं की तरफ से जो दूसरा शैम्पू आता है वो है डिटेंगल एंड शाइन शैम्पू। दोस्तों, रफ हेयर किसे पसंद है, बट हम लोग गलत शैम्पू यूज करके अपने डॉग्स के कोट को बिल्कुल रफ कर देते हैं। तो ऐसे रफ कोट वाले डॉग्स किसे पसंद होते हैं भाई, हमें तो अच्छे लगते हैं स्मूथ एंड सिल्की कोट वाले डॉग्स। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके डॉग्स के हेयर कुछ इस तरह से हो तो उसके लिए आप लोगों को ह्यूमंस वाले शैम्पू नहीं बल्कि पेटफिट की तरफ से ये स्पेशल शैम्पू यूज करने पड़ेंगे जो कि स्पेशल आप लोगों के डॉग्स के लिए है, उनके कोट को शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, मुझे जो इनकी सबसे खास बात लगी वो ये है कि इनके किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, ये सभी चीज नेचुरली यूज करते हैं। और डिटेंगल एंड शाइन शैम्पू में आप लोगों को तुलसी ऑयल मिलेगा जिससे आप लोगों के डॉग्स का कोट नरिश और शाइनी होता है। वैसे तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सभी शैम्पूज को एक साथ परचेज करें, क्योंकि भाई सबका अलग अलग काम है। बट अगर आप लोग सिंगल शैम्पू को भी परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इन सभी का लिंक मिल जाएगा। तो इन प्रोडक्ट को आप लोग पेटविट की ऑफिशियल साइट से तो परचेज कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप लोग इन्हें फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट आता है वो है पेटविट की तरफ से एंटी टिक्स एंड फ्ली शैम्पू। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा डॉग है जिसे टिक्स और फ्ली यानी छोटे छोटे पिस्सू नहीं होते, सभी डॉग्स में ये प्रॉब्लम होती है जब गर्मी आती है या फिर बारिश का सीजन आता है, तो ये प्रॉब्लम हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये चीज आप लोग किसी डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं कि जो टिक फीवर होता है भाई वो सबसे तगड़ा होता है, उससे आप लोगों के डॉग्स की जान भी जा सकती है, क्योंकि उस टाइम किडनी फेलियर होने के काफी चांसेस रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के डॉग्स को बहुत सारी टिक्स लगे हो तभी उनको फीवर आता है, सिर्फ एक टिक ही काफी होती है उनके फीवर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि डॉग सिर्फ डॉग ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली के मेंबर होते हैं, तो आप लोग सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। तो जब भी आप लोगों को ये लगे कि आप लोगों के डॉग को जरा से भी टिक्स होने लगी हैं, तो आप लोग उसी टाइम पेटविट का ये एंटी टिक एंड फ्ली शैम्पू जरूर यूज करें। और फ्रेंड्स, इस शैम्पू में विटामिन ई और टी ट्री जैसे ऑयल का भी यूज किया गया है जिससे आप लोगों के डॉग्स का जो कोट होता है उसके पीएच बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए काफी जरूरी होता है। तो इनमें से आप लोग चाहे कोई भी शैम्पू यूज करो, उसे अपने डॉग की स्किन पर अप्लाई करने के बाद उसे कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए जरूर छोड़ दें, उसके बाद आप लोग उसे अच्छे से वॉश कर दें। और फ्रेंड्स, पेटफिट की तरफ से सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट तो अब आता है जो है ओटमील वाटरलेस ड्राई शैम्पू माउस। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये शैम्पू आप लोगों की लाइफ को बहुत ही इजी बना देगा और आप लोगों के काफी टाइम को भी बचाएगा। वैसे इन सभी शैम्पूज को आप लोग कैट, डॉग्स या छोटे पपीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनमें कोई भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो छोटे पपीज को हार्म पहुंचाएं, क्योंकि भाई जब भी हम लोग छोटे पपीज लेकर आते हैं तो भाई वो मिट्टी वगैरह में जरूर खेलेंगे, क्योंकि भाई बचपन का यही तो मजा है, और बचपन में ऐसा नहीं करेंगे तो भाई फिर कब करेंगे। तो उस टाइम हमें उनको नहलाना काफी मुश्किल काम होता है और ये काफी रिस्की भी होता है, क्योंकि छोटे पपीज का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक होता है, तो नहलाने से वो बीमार पड़ सकते हैं। तो उस टाइम आप लोग इस पेटफिट के वाटरलेस शैम्पू को यूज कर सकते हैं, ये फोम में आता है, तो आप लोग इसे अपने पपीज के ऊपर अप्लाई करके आराम से क्लीन कर सकते हो।
और मेरे लिए तो ये फिलहाल सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि मेरी जो जर्मन शेफर्ड है वो फिलहाल प्रेग्नेंट है और भाई डॉक्टर ने साफ मना किया उसको नहलाने से। तो अब फिलहाल मैं इस शैम्पू का यूज कर रहा हूँ। तो इस शैम्पू से मैं अपनी जर्मन शेफर्ड को काफी आसानी से क्लीन कर सकता हूँ। और दोस्तों इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एलोवेरा, लेमन ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो फ्रेंड्स ये थे पेट फिट की तरफ से चार ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के डॉग्स के कोट को हमेशा सिल्की, शाइनी और टिक्स फ्री तो रखेंगे ही, साथ ही साथ उन्हें इचिंग से बचाएंगे और उनकी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। तो फ्रेंड्स एटलीस्ट आप लोगों को एक बार ये प्रोडक्ट्स जरूर यूज करने चाहिए। इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप लोग इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।